हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी बैश में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब्ड कॉमेडी वेब सीरीज जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, और ये वीडियो है हमारा पार्ट 3 वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के दोस्तों, और जानते हैं कि कौन कौन से वीडियोस ने जगह बनाई है लिस्ट में। तो आइए बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 पे दोस्तों हुप्स, जो की आई थी 2020 में, एनिमेशन कॉमेडी और स्पोर्ट्स जॉनर के। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग है 6। दोस्तों ये एनिमेटेड सीरीज बेस्ड है एक बास्केटबॉल कोच पर, जिसे लग रहा होता है कि वो बड़े मैचेस खेल सकता है अगर अपनी कमजोर टीम पर थोड़ी मेहनत करे। तो बात करें नंबर 9 के बारे में। दोस्तों नंबर 9 पे टीनेज बाउंटी हंटर्स, जो कि आई थी 2020 में, कॉमेडी क्राइम एंड ड्रामा जॉनर की। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग है 7.7। बात करें कहानी के बारे में दोस्तों, तो अमेरिकन टीन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है ये, और दो ट्विन सिस्टर जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है, और इनके लाइफ में एक्चुअल एडवेंचर स्टार्ट होता है जब इनकी लाइफ में मुलाकात होती है बाउंटी हंटर, और फिर इन तीनों के लाइफ में जो कुछ होता है वो आप इस सीरीज में देख सकेंगे। बात करें फ्रेंड्स नंबर 8 के बारे में, तो नंबर 8 पे है दी इंडियन डिटेक्टिव, जो की आई थी 2017 में, कॉमेडी क्राइम और ड्रामा है। दोस्तों इसमें आईएमडीबी रेटिंग है 6.5। दोस्तों इसमें टोरंटो शहर का एक पुलिस ऑफिसर जब अपने डैड से मिलने के लिए इंडिया आता है, वहां पर वो एक डेंजरस केस में इन्वॉल्व हो जाता है। नंबर 7 की बात करें फ्रेंड्स, तो नंबर 7 पे ल्यूनेटिक्स, जो की आई थी 2019 में, कॉमेडी है। दोस्तों इसमें आईएमडीबी रेटिंग है 6.6। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज बेस्ड है 6 ल्यूनेटिक लोगों पर, जो सिखाते हैं कि तुम जैसे भी हो अपने हिसाब से सही हो। बात करें आगे नंबर 6 के बारे में। दोस्तों नंबर 6 पे स्टार्टअप, जो कि आई थी 2020 में, कॉमेडी ड्रामा एंड रोमांस जॉनर की। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग है 8.1। दोस्तों ये सीरीज एक ऐसे वुमेन के अराउंड घूमती है जो स्टीव जॉब्स की तरह एक एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम रखती है, और उसका लव ट्रायंगल एक ऐसे आदमी के बीच आ जाता है जो सीक्रेटली उसका फर्स्ट लवर है, और दूसरा आदमी जो प्रिटेंड करता है कि वो उसका फर्स्ट लव है। रोमांस और नाइस कैरेक्टर्स के साथ स्टार्टअप बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स का एक क्लेवर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नंबर 5 की बात करें फ्रेंड्स, तो नंबर 5 पे डे ब्रेक, जो की आई थी 2019 में, एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी है। दोस्तों इसमें आईएमडीबी रेटिंग है 6.7। दोस्तों इसमें एक पोस्ट एपोकलिप्स दुनिया में एक लड़का एक ग्रुप ज्वाइन करता है अपने मिसिंग गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। बात कर लेते हैं नंबर 4 के बारे में। दोस्तों नंबर 4 पे जूली एंड द फैंटम्स, जो कि आई थी 2020 में, एडवेंचर कॉमेडी एंड ड्रामा जॉनर की। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग है 8.5। कहानी की बात करें दोस्तों, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है टीनेज ड्रामा फैंटेसी के बारे में। जूली जो बहुत अच्छी म्यूजिशियन है, उसकी माँ की डेथ हो जाती है, इस वजह से वो इतना अच्छा गाना गा नहीं पा रही है, और वो अपनी म्यूजिक स्कूल की स्कॉलर लूज करने वाली है। वो 3 घोस्ट के साथ म्यूजिक बैंड बनाती है, उसमें कुछ सीक्रेट्स आ जाते हैं। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। दोस्तों नंबर 3 पे विंसेनो, जो कि आई थी 2020 में, कॉमेडी क्राइम एंड ड्रामा जॉनर की। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग 8.5। दोस्तों विंसेनो एक लॉयर है और एक बहुत बड़े माफिया के लीगल एडवाइजर भी होता है, और एक ग्रुप को जस्टिस के तौर पे अपने मेडिसिन का टेस्ट देता है। इसमें केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 की बात करें फ्रेंड्स, नंबर 2 पे द लास्ट किड्स ऑन अर्थ, जो कि आई थी 2019 में, एनिमेशन एडवेंचर और कॉमेडी है। दोस्तों इसमें आईएमडीबी रेटिंग है 7.5। बात करें इसके बारे में फ्रेंड्स, तो दुनिया में जब मॉन्स्टर्स का अटैक होता है, तब एक लड़का और उसके कुछ दोस्त एक ट्री हाउस में सर्वाइव कर रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स से लड़कर। उनका सहारा होता है वीडियो गेम्स एंड कैंडीज। बात कर लेते हैं नंबर 1 के बारे में फ्रेंड्स, नंबर 1 पे इट्स ओके टू नॉट बी ओके, जो कि आई थी 2020 में, कॉमेडी ड्रामा एंड रोमांस जॉनर के। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग है 8.7। कहानी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक साउथ कोरियन रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। एक साइकेट्रिक वार्ड में एम्प्लॉयड एक आदमी और एक औरत की स्टोरी, जो बच्चों की बुक्स का एक पॉपुलर राइटर है, उनके बीच एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिश्ता शुरू हो जाता है जब वो एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी वेब सीरीज जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे हिंदी में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।